नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, एक महीने करीब से या 10 दिन पहले से, कि भीम आर्मी के कुछ बड़े पदाधिकारी जो हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, या फिर कह लीजिए कुछ ऐसे पदाधिकारी जो भीम आर्मी छोड़कर बसपा ज्वाइन कर रहे हैं या अन्य पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन लगभग सभी लोग बसपा ही ज्वाइन कर रहे हैं। इसको लेकर अब चंद्रशेखर आजाद जी ने राज खोल दिया है। उनका कहना है, ये जो लोग बसपा या फिर कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भीम आर्मी छोड़कर या आजाद समाज पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जा रहे हैं, जैसे इशारा तो बसपा के तरफ ही था, सभी आप लोग जानते हो। अभी उपकार बावरा जो कि पहले भीम आर्मी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत पहले उन्हें निकाल दिया गया था। सुजीत सम्राट पहले भीम आर्मी के जो एडवोकेट सेल थी उसके अध्यक्ष थे। राहुल नागपाल क्या बोलते हैं, एक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अभी भीम आर्मी छोड़कर बसपा में ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसे कई पदाधिकारी बताए जा रहे हैं, और खुद सतीश मिश्रा जी अपने पेज से ये शेयर करते हैं कि भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने भीम आर्मी छोड़कर आज समाज पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली है, ऐसा फैलाया गया और ऐसा बसपा वाले भी कह रहे हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद जी ने इसके लिए एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जो लोग भी अन्य दल ज्वाइन कर रहे हैं, अन्य दलों में जा रहे हैं, उनको भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी से पहले ही निकाला जा चुका है। उनको घपले के कारण, चंदे की हेरा फेरी के कारण और अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन दिखाने के कारण, और क्या बोलते, जो उनकी पार्टी यानी कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का संविधान है उसका उल्लंघन करने के कारण, और कई ऐसी चीजें जो उनको नहीं करनी चाहिए थी वो उन्होंने करी, इसलिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने उन नेताओं को पहले ही वहां से निकाल दिया था। लेकिन अब ये सब ह्यूमर फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि लोग भीम आर्मी छोड़कर आजाद समाज पार्टी छोड़कर अन्य दल ज्वाइन कर रहे हैं। वीडियो देखो। एक अंतिम बात, हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, दूसरे दलों में इसके वजह से बौखलाहट है। जिन लोगों को हमने दो दो साल पहले, एक एक साल पहले निकाल दिया, किन्हीं कारणों के कारण, आरोप के कारण, पैसे का और तमाम तरह के आरोप के कारण, या वो लोग किसी दूसरे दल के लिए काम कर रहे थे या प्रभावी लोग थे और दूसरे लोगों को गुटबाजी करके संगठन खराब कर रहे थे, आज उनको दूसरे दल लेके और झूठ झूठ के प्रचार कर रहे थे, इससे पता लगता है कि वो आपकी ताकत से बौखला गए। जो आदमी हमने पार्टी निकाल दिया और संगठन में उसके साथ एक आदमी नहीं गया उनको लेकर, वो बड़े बड़े जो है ना दावे कर रहे हैं, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग ताकतवर हो रहे हैं, जिनके सम्मान में दूसरी दल नतमस्तक हुए बैठे हैं। हमारे जो हमने जो जिसको कबाड़ा समझ के निकाल दिया, उसको अपने सर पर का माथा के चंदन जो है उसको ताज समझ के अपने सर पर मस्तक करने वाले लोग, आप समझ लीजिए कि आपके आंदोलन कितने डरे। दोस्तों, आपने देखा चंद्रशेखर जी का बयान, उनका साफ कहना है ये वही पदाधिकारी है जिनको भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पहले ही निकाल चुकी है, और ये सब चंदे की हेराफेरी करते हुए या कह लीजिए पार्टी का जो संविधान है उससे उलट काम करते हुए, या अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन का जो इनका कैरेक्टर था उसको देखकर इनको पहले ही निकाल दिया गया है, और ये सब अब वहम फैलाया जा रहा है कि भीम आर्मी छोड़कर लोग ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे अन्य दल। लेकिन ये बात भी सत्य है, सूरज कुमार बोध, इनको निकाला नहीं गया है, इन्होंने खुद अपना त्याग पत्र दिया है। और आपको ऐसे कई भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग आप जानते होंगे जिनको निकाला नहीं गया था, उन्होंने खुद त्याग पत्र देकर बसपा या फिर कोई अन्य दल या फिर किसी दल को ज्वाइन नहीं किया है। अब ये क्या कारण हो सकता है, क्या चंद्रशेखर जी अपनी जो खामियां है, अपने लोगों को बांधना है, वो छुपा रहे हैं, या फिर वाकई में ऐसा हुआ है कि लोगों को निकाला गया है उसके बाद अन्य दल में जा रहे हैं, ऐसा इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकता। बता आप सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या सही है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जाकर कमेंट कीजिए दोस्तों। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे ऐसी ही वीडियो रोजाना देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिलेगी। देखते रहा करिए भारत दस्तक, भावजनों की हर खबर आपके घर तक।